चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने सेक्शन की, जो कि है रोटी। अब जब प्लेट में बात हो गई राइस की, तो फिर रोटी कहाँ पीछे रहने वाली है? रोटी तो आएगी आएगी। तो रोटी के लिए हमारे पास थ्री मेन थिंग्स हैं। पहला है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि चकली और बेलन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर जो चकला है हमारा वो है रोलिंग बोर्ड। चकला है रोलिंग बोर्ड और जो बेलन है वो है रोलिंग पिन। तो पहला हो गया चकला मींस रोलिंग बोर्ड, दूसरा हो गया रोलिंग पिन मींस बेलन। इसके बाद आता है टोंग्स मींस चिमटा। लेकिन क्या अभी हम एक चीज और भूल नहीं रहे? रोटी तवे के बगैर कैसे बन सकती है? रोटी तवे के बगैर कैसे बनेगी बताइए? रोटी बनाने के लिए हमें तवे की भी तो जरूरत होती है। तो रोटी बनाने के लिए जो तवा यूज होता है, यानी रोटी तवा, उसे हम कहते हैं ग्रिडल, उसे हम कहते हैं ग्रिडल। तो अब हमारे पास रोटी के सेक्शन में चार चीजें हो गई। पहला है रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन, टोंग्स एंड ग्रिडल। अब बात करते हैं हम किचन में रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड भी दो यहाँ पर हम बात करेंगे, दो वोकैबुलरी की। पहला तो है खुद रेफ्रिजरेटर, दूसरा है आइस ट्रे, जिसमें हम बर्फ जमाते हैं। जो ट्रे होती है जिसमें हम बर्फ जमाते हैं वो है आइस ट्रे। तो रेफ्रिजरेटर एंड आइस ट्रे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये नेक्स्ट सेक्शन है हमारे किचन का सिंक। किचन का सिंक जहाँ पर जितना भी हमारा काम होता है क्लीनिंग का, वो सब वहीं पर होता है। चाहे हम वेजिटेबल वॉश कर रहे हों या यूटेंसिल्स वॉश कर रहे हों, तो हर चीज के लिए, वॉशिंग के लिए हमारा किचन सिंक की हमारी जरूरत है। तो वहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे टैप की, यानी जो नल ऊपर होता है जिससे हम पानी लेते हैं, तो वो है टैप। टैप के बाद आ गया किचन सिंक। किचन सिंक, किचन सिंक के बाद हम धोने के लिए जो स्पॉन्ज यूज करते हैं, सो दैट इज स्पॉन्ज। उसके बाद एक और तरह का स्पॉन्ज है जो कि स्टील का होता है, यानी स्टील का जूना जिसे हम कहते हैं। तो स्टील जूने को हम कहते हैं स्टील वूल, स्टील वूल। जब मैं स्टील वूल बोल रही हूँ तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मेरा जो लिप मूवमेंट है वो रोल हो रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो रोलिंग ऑफ द लिप है ये क्यों है, क्योंकि मैं डब्ल्यू प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो यू वुड ऑलवेज प्रोनाउंस डब्ल्यू विद द रोलिंग ऑफ द लिप्स। सो किचन में जो चीजें अभी तक हमने बात की, सबसे पहले टैप, देन किचन सिंक, देन स्पॉन्ज, स्टील वूल, एंड स्टील वूल के बाद जो बात आती है, जो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर आइटम है वो है नैपकिन। नैपकिन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है किचन के अंदर, इसे हम यूज करते हैं। वेदर यू टॉक अबाउट डाइनिंग टेबल पर हम जब प्लेट सर्व करते हैं तो उसके साथ हम नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, और किचन के अंदर भी वेरियस यूज है हमारे नैपकिन के साथ। अब ये बात हो गई हमारे किचन सिंक का, पूरा सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। द नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। यहाँ पर हम किचन की कुछ और भी जरूरी चीजों की बात करेंगे। अब बात करते हैं हम खलबत्ते की। खलबत्ता हम सभी को मालूम है कि किचन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेसल है जिसे हम यूज करते हैं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं चाय की, और जिस दिन आपको अदरक की चाय पीने का दिल कर रहा हो, तो उस दिन आपको कूटने के लिए खलबत्ते की जरूरत होती है। तो इस खलबत्ते को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? खलबत्ते को हम कहते हैं इंग्लिश में पेसल एंड मॉर्टर, पेसल एंड मॉर्टर। देन कम्स कोलैंडर। कोलैंडर, कोलैंडर क्या है? कोलैंडर हमारे किचन के अंदर एक ऐसा यूटेंसिल है जो कि नीचे से परफोरेटेड होता है, यानी कि छेद होते हैं उसमें, उससे पानी निकलता है। पानी कैसे निकल जाता है? जैसे हम सूप बना रहे हैं तो उसे हम जब छानते हैं तो उसमें से जो सूप है वो निकलकर छेद से बाहर आ जाता है। कोलैंडर के बाद आता है फनल। फनल क्या है? फनल है कीफ। कीफ, कीफ है जब हम किसी लिक्विड को एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफर करते हैं, या किसी एक बॉटल से दूसरे बॉटल में ट्रांसफर करना होता है, तो किसी बर्तन से बॉटल में ट्रांसफर करना होता है, किसी भी तरह का जो ट्रांसफर हम लिक्विड करते हैं उसमें फनल का यूज करते हैं, यानी कीफ का इस्तेमाल करते हैं। देन कम्स ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स कद्दूकस। कद्दूकस जिसे लोग कहते हैं, मैं कद्दूकस कहूंगी, तो कद्दूकस को हम इंग्लिश में ग्रेटर कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे किचन के अंदर चीज है। इसके बाद आता है मैचेस। अगर पहले का वक्त याद हो जब हमारे घरों में लाइटर्स नहीं होते थे, तब हम
मैचेस का ही इस्तेमाल करते थे, यानी माचिस का इस्तेमाल करते थे। तो अभी भी कई बार जब कभी लाइटर खराब हो जाता है तो हमारे घर में फिर माचिस थोड़ी देर टाइम के लिए लेकिन आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, माचिस को, मैचेस, मैचेस। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो हमारे किचन के अंदर और हमारे टेबल पर रखी जाती हैं, उसमें से एक है सॉल्ट मिल। सॉल्ट मिल यानी आपने देखे होंगे इतनी छोटी छोटी जो शीशियां होती हैं जिसमें हम नमक रखते हैं या काली मिर्च रखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो जो नमक रखते हैं, नमकदानी जिसे आप कहते हैं, तो नमकदानी को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट मिल, और जिसमें काली मिर्च वगैरह रखते हैं उसको कहते हैं पेपर मिल। सॉल्ट मिल एंड पेपर मिल। फिर बटर को रखने के लिए जो हम यूटेंसिल यूज करते हैं, जो एक बॉक्स से यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं बटर डिश। रिमेम्बर इट्स बटर डिश। बटर डिश के बाद बहुत से सामान हमारे किचन में होते हैं जिनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, तो उसे हम जार भी कह सकते हैं, और अगर रियली वो एयर टाइट है तो एयर टाइट कंटेनर उसे आप कह सकते हैं। एंड कैसरोल डिश। कैसरोल में भी बहुत सी चीजें हम डाइनिंग टेबल पे भी खाने की रख लेते हैं, तो कैसरोल डिश। कैसरोल डिश के बाद आइए हम बात करते हैं खाना पकाने वाले यूटेंसिल्स की, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी भगोने की। भगोना जो है उसे हम इंग्लिश में पॉट कहते हैं, पॉट। पॉट के बाद हम दो तरह के पैन्स की बात कर लेते हैं। पैन्स की बात करेंगे तो इसमें पहला पैन सॉस पैन एंड फ्राइंग पैन। तो पॉट, सॉस पैन एंड फ्राइंग पैन। फिर हम बात कर लेते हैं मिल्क कैन की। मिल्क कैन क्या है? मिल्क कैन है जिसमें जो एक यूटेंसिल है जिसमें आप दूध लेने जाते हैं या दूध लेकर आते हैं, तो वो है मिल्क कैन। मिल्क कैन के बाद जो ढक्कन है किसी भी चीज का, चाहे वो कैसरोल डिश का है, चाहे किसी भी बर्तन का है जैसे मिल्क कैन का है, तो ये जो ढक्कन है उसे हम लिड कहते हैं। एंड द लास्ट वो क्या हियर इज कढ़ाई। कढ़ाई को किचन के अंदर हम कैसे भूल सकते हैं? कढ़ाई को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉक, वॉक। तो रिमेम्बर मेरा जो मूवमेंट है लिप का उसको आप हमेशा ध्यान देंगे, और इस लिप मूवमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर वोकैब है ये W से स्टार्ट होती है, तो वॉक बोल रही हूँ मैं, उसको ध्यान रखिएगा। किचन से मैंने ज्यादातर वोकैबुलरी जो मुझे समझ में आई वो मैंने आपके साथ इस क्लास में शेयर की। होप कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आज आप क्लास वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप मुझे बताएंगे कि जीरे को, मैं जीरा नहीं बोल रही हूँ, जीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप मुझे जरूर बताएं। सो हियर आई वुड लाइक टू कॉल इट अ डे। आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग लेसन के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि इसका फायदा बाकी लर्नर्स को भी मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो भी हमारे वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय लर्निंग, टेक केयर।